नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है 29 और आज संडे की क्लास है। और दोस्तों, ये आज की आपकी जो लास्ट क्लास होगी और कल से हमारा प्रारूप क्या होगा चेंज हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि संडे को जो हमारी क्लास होती है उसमें मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाता हूँ, लेकिन क्लासें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज थोड़ा सा जो समय है उसमें ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे हम क्लास क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और थोड़ा सा स्पीड से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संडे में कुछ थोड़ा सा स्पीड हमारी मेंटेन होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं मेंटेन किया जाएगा तो रोज़ उसी तरीके से उसी ढर्रे में चलेंगे तो उसका बाद में खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो चलिए, आप लोग तैयार हो जाएं। सभी को एक बार दोस्तों गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राधे राधे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला है और एक एक करके हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो महाबचत ऑफर के साथ में कंप्लीट कोर्स बैच, प्रैक्टिस बैच और वीडियो की बुक जो स्टडी 91 ने आपको प्रोवाइड की है। आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों आप सबके स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताना है। तो बताएंगे कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर पहले का। तो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, गलत करना नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, आपको तरीका तो सबको पता ही है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो 7, 6, 13, 13 और 5, 18, 4, 22, 25, 25, 2, 27 और 1 कितना आएगा 28। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या आएगी 28 और 28 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पहले का जो आंसर आएगा पहला, ये ट्रिक के तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ज़्यादा समय नहीं लगा, तो पहले का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो गैर बोल रहा है कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या बोला है आगे, पहले कह रहा है कि बाइक का उपयोग करने वाले, तो यहां पर दोस्तों ये जो दर्शा रहा है ये किसको बता रहा है, उन लोगों को जो बाइक का उपयोग करते हैं, और ये जो बता रहा है उन लोगों को बताता है जो कार का उपयोग कर रहे हैं, और ये जो साइकिल का उपयोग करने वाले उनको ये बता रहा है जो साइकिल का उपयोग करते हैं वो उनका बता रहा है। ठीक है, चलिए करा, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो साइकिल और बाइक दोनों का उपयोग करते हैं लेकिन कार का नहीं, तो उसको कार से प्रॉब्लम है, उसको किससे प्रॉब्लम है, कार से प्रॉब्लम है। तो कार वाले एरिया को आपको पूरा हटा देना है। अब आपको यह देखना है कि कितने अंक ऐसे हैं जो साइकिल और बाइक में दोनों में कॉमन है। तो 40 की बात करें तो 40 लोग साइकिल नहीं चलाते, 20 की बात करें तो 20 लोग बाइक नहीं चलाते, 40 की बात करें तो 40 लोग जो है क्या करते हैं यहां पर बाइक नहीं चलाते। तो 34 एक ऐसा नंबर है जो साइकिल भी चलाते हैं और बाइक भी चलाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा दूसरे का तीसरा वाला 34। और अगर आपने 34 आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बड़ा जरूर था लेकिन आसान क्वेश्चन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि यहाँ एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो सी दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो आपको बताना है कि सी के अपोजिट में कौन सा अक्षर आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सी है तो बी और ए यहाँ पर है, और यहाँ पर भी सी है तो सी कॉमन है, तो सी से क्लॉकवाइज घूमेंगे, और यहाँ भी सी कॉमन है, सी से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पर सी कौन सा अक्षर है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, एफ नहीं दिख रहा, एफ होगा सी का अपोजिट, एफ होगा सी का अपोजिट। तो तीसरे का जो आंसर होगा पहला, और जिन बच्चों ने तीसरे का पहला आंसर एफ दिया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या होगा सही। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि भाई सी से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सी बी और फिर क्या आएगा ए, यहाँ पर सी फिर डी और फिर ए, तो बी का अपोजिट बी, बी का बी हो गया, ए का अपोजिट ई हो गया, और सी का अपोजिट एफ नहीं दिख रहा क्योंकि 6 सतह होती हैं, तो सी का अपोजिट एफ, और एफ कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी ना किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करके बताइएगा। यहाँ पर पेरिस, इस्तांबुल, मापुतो और लंदन में से क्या अलग है, ये आपको बताना है। बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो पेरिस क्या है, राजधानी है, पेरिस क्या है, राजधानी, और कहाँ की, फ्रांस की,
पेरिस फ्रांस की राजधानी है, लंदन भी एक राजधानी है, कहाँ की ब्रिटेन की, लंदन भी कहाँ की राजधानी है ब्रिटेन की। और यहाँ पर मापुतो की बात करें तो मापुतो जो राजधानी है आपकी मोजाम्बिक की राजधानी है, मोजाम्बिक की राजधानी अफ्रीकी देश है एक मोजाम्बिक, यहाँ पर जो मापुतो है वो मोजाम्बिक की राजधानी है। और इस्तांबुल की अगर बात करें तो इस्तांबुल कहीं की राजधानी नहीं है, ठीक है, इस्तांबुल भी यहाँ पर राजधानी हो सकती है क्या, इस्तांबुल। यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, यहाँ पर हमने देखा कि इनमें से जो अलग निकल कर जाएगा, ठीक है, तो नौ का जो जो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो अलग निकल कर आएगा उसमें से कौन सा आंसर के रूप में जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इस्तांबुल इन सबसे अलग होगा। तो पेरिस, मापुतो और लंदन, पेरिस कहाँ की राजधानी है मैंने बताया था, पेरिस राजधानी है फ्रांस की आप सबको पता ही है, और लंदन कहाँ की राजधानी है ब्रिटेन की, लंदन कहाँ की राजधानी है ब्रिटेन की, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो चौथे का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। तो चार के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर पाँच में, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए ए के स्थानों पर क्रमानुसार आने वाले गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो ए के स्थान पर आने वाले गणितीय चिन्हों के सही स्थान का आपको चयन करके बताना है। तो 40A2A3A4A5 इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है, तो पांच को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि पांच का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए कि यहाँ पर कौन से साइंस को रख दिया जाए कि समीकरण आपका सही हो जाए। दोस्तों यहाँ पर 40 2 से डिवाइड है तो यहाँ पर रख सकते हैं, और यहाँ पर डिवाइड की बात करें तो यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पर नहीं रख सकते, मुझे लगता है 2 और 3 तो आपका होगा नहीं, ठीक है, आप 1 और 4 को चेक कर लें आपको आंसर मिलेगा, 1 और 4 को चेक कर लें यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो बताएं किसका सही आंसर क्या होगा, पहले हम 1 को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 40 आएगा, फिर यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा डिवाइड, फिर यहाँ पर क्या आएगा 2, और इसके बाद फिर ए है तो 2 के बाद क्या आएगा गुणा, गुणे कितना आएगा 3, फिर यहाँ पर क्या है इक्वल टू, फिर क्या है 4, और फिर कितना है गुणा 15, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 तय कितना होगा 60, और 15 तो को 60 60 बराबर 60, ऑप्शन ए में ही आंसर मिल गया। मैंने कहा था 2 और 3 होगा नहीं, 1 और 4 चेक करना था, 1 से आंसर मिल गया, अगर 1 से आंसर नहीं मिलता तो चौथा वाला अपने आप फिर क्या करता सही हो जाता। तो पांचवें का जो आंसर आएगा फर्स्ट वाले में जाएगा। देखो ऐसे प्रश्नों को पहले आपको मोटा मोटा डिवाइड को टारगेट बनाया करें, डिवाइड को मैंने टारगेट क्यों बनाया क्योंकि जो 40 था वो पूर्णतः डिवाइड से 2 से डिवाइड था, और अगर यहाँ पर डिवाइड रखते हैं सेकंड नंबर पे तो सेकंड नंबर पर अगर डिवाइड रखेंगे तो क्या 2 2 3 से डिवाइड है, नहीं, पॉइंट में आता पॉइंट में यहाँ पर था नहीं, यहाँ पर लास्ट में डिवाइड था क्या 4 15 से डिवाइड था, नहीं, ये भी संभव नहीं था, यहीं पर पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसलिए मैंने कहा था कि 1 और 4 में आपको जाना। पांच की बात चलेंगे 6 में, तो 6 में चलने से पहले दोस्तों कुछ डिटेल्ड है यहाँ पर, और डिटेल ये है कि यूपी टेट की जो किताब है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश की जो आपको प्रोवाइड की गई है, तो किताब बहुत ही शानदार है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही स्टडी 91 ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपडेट करके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हुए ये किताब आपको प्रोवाइड की है। हिंदी का जो इंडिविजुअल बैच है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो संबंध दूसरे समूह का पहले अक्षर से है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अगर 3 में हम अगर 2 कम कर देंगे तो 1 आएगा, 15 और 1 कितना हो गया 16, 1 में अगर हम 1 कम कर देंगे तो जेड आएगा, और टी में अगर हम 2 जोड़ दें तो 20 और 2 कितना आएगा 22 आएगा। तो यहां पर -2 + 1 - 1 + 2 यही चल रहा है, अप्लाई करके देखते हैं शायद मिल जाए। तो यहां पर -2 करेंगे तो 18 में 2 कम करेंगे तो 16, इसके बाद फिर क्या करेंगे +1, 15 और 1 16, फिर क्या करना है -1 तो 1 में 1 घटाएंगे जेड, फिर करना है +2 तो 4 और 2 क्या आएगा 6। तो पी पी जेड एफ और पी पी जेड एफ कहां है ऑप्शन नंबर 6 में। तो छठवें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो यहां पर आप सब देख सकते हैं -2 + 1 - 1 + 2 ये कांसेप्ट यहां पर चला, तो छठवें का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 में, 7 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 असंगत है, तो उस असंगत संख्या का चयन करके बताना है। 729, 135, 216, 676 क्यूब संख्या लिखी हुई है, इसमें से बताना है कि कौन सी एक क्यूब संख्या नहीं है। तो 9 की अगर बात करें तो 9 का क्यूब क्या होता है 729, 5 का क्यूब होता है कितना 125, 5 5 25 पंचे और 125, और 216 किसका क्यूब होता है 6 का, 216 किसका क्यूब होता है 6 का। अगर 676 की बात करें तो 25 के स्क्वायर 625, ये 26 का क्या है ये स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है, ये संख्या क्या हो जाएगी अलग। तो सातवें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी सारी की सारी क्यूब संख्याएं हैं लेकिन ये क्या थी क्यूब संख्या नहीं थी, क्या है एक स्क्वायर संख्या है, इसलिए इन सबसे अलग होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
दिरहम यूएस डॉलर और मुद्रा, बताइएगा कि इनमें से क्या अलग होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। दिरहम के बारे में जानते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिरहम भी एक मुद्रा है, यूएस डॉलर भी एक मुद्रा है, लेकिन दोनों की दोनों अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं, तो दोनों अलग हो जाएगा। तो दिरहम एक अलग मुद्रा है और डॉलर एक अलग मुद्रा है, अलग देश की मुद्रा है, लेकिन है दोनों की दोनों मुद्रा, इसलिए इसका ये डायग्राम बनेगा। और ये कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर चार में। तो आठवें का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर चार में जाएगा। और अगर आपने आठवें का चार आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही होगा। आर के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नौ में। नौ को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर नौ का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ को दोस्तों पढ़ो और बताओ कि नौ का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नौ बोल रहा है कथन में कि सभी माल राजा हैं, कोई भी राजा हीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नौ को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। उसने कहा कि सभी मॉल राजा हैं, तो जितने भी मॉल हैं उस सारे के सारे किसकी श्रेणी में जाएंगे, राजा की श्रेणी में जाएंगे। दूसरा बोल रहा है कि कोई भी राजा हीटर नहीं है, तो राजा को और हीटर को आपको क्या करना है, दूर रखना है। राजा को और हीटर को क्या करना है, दूर रखना है, ये आपका हो जाएगा। अब निष्कर्ष देख लें, कोई भी मॉल हीटर नहीं है, कोई भी मॉल हीटर नहीं, बात सही है, क्योंकि मॉल का हीटर से कोरिलेशन नहीं है। सभी राजा मॉल हैं, तो सभी राजा मॉल नहीं बन सकते, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो क्वेश्चन नंबर नौ का जो आंसर होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो नौ का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर में जाएगा। और अगर आपने नौ का ऑप्शन नंबर फोर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नौ का जाएगा ऑप्शन नंबर फोर में। आइए बढ़ते हैं नौ के बाद क्वेश्चन नंबर दस की तरफ। क्वेश्चन नंबर दस यहां पर ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि एक निश्चित पूर्वभाषा में टेलीविजन को OPJTJWFMFU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में REMOTE रिमोट को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइएगा कि रिमोट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। टेलीविजन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है क्या यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका अंतिम अक्षर, इसका पहला अक्षर, तो 14 और 1 15, और यहाँ पर 15 और 1 कितना हो गया 16, यहाँ पर 9 और 1 कितना हो गया 10, 19 और 1 20, 9 1 10, 22 और 1 23, 5 और 1 6, 12 और 1 13, 5 और 1 6, 20 और 1 21, सब में +1 +1 चल रहा है, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमको +1 करना है, +1 करेंगे तो 5 और 1 6 आएगा, यहाँ +1 करेंगे तो 20 और 1 21 आएगा, यहाँ +1 करेंगे 15 और 1 16 आएगा, यहाँ +1 करेंगे 13 और 1 14 आएगा, यहाँ +1 करेंगे 5 और 1 6 आएगा, यहाँ +1 करेंगे तो 18 और 1 19 आएगा। तो FUPNFS, तो FUPNFS तो कहाँ गया, FUPNFS FUP इसी में होगा, और यहां पर जो E है ना, यहां पर F होना चाहिए था, तब आंसर आपका सही होगा, FUPNFS। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इसी में थोड़ा सा आपको फॉल्टिंग था और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो FUPNFS आएगा और ये जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो जहां पर E था दोस्तों, वहां पर आपका जो है यहां पर जाएगा, तो दसवें का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। और अगर आपने दसवें का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न सही होगा। तो अंतिम वाले से पहले वाले में +1, फिर यहाँ पर +1, इसी प्रकार से एक एक करके +1 +1 चल रहा था। जब हमको सीरीज समझ में आ गई है, जब सीरीज समझ में आ गई तो आगे वहां पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हम समय को अगर बचा सकते हैं तो हमको बचाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देना है। हमें सीरीज समझ में आ गई, हमने सीधे अप्लाई किया, आंसर निकाला और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हिंदी की जो किताब है वो 299 रुपये में, यूपी टेट की जो भी आपका किताबें हैं, जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आपको अब तक प्रोवाइड की गई हैं उनकी सारी डिटेल हैं, अब किताबें आपके घर। और इनमें से अगर किसी भी किताब की आवश्यकता है तो आप जो है इस नंबर पर कॉल करिए, उसको बुक करिए, ये आपके घर फ्री डिलीवरी के साथ में आपको पहुँचा दी जाएगी। अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, और अगर आपके पास किताबें हैं
तो मुझे लगता है अगर हैं तो आप उन्हीं को पढ़िए, अगर आपको लगता है तब भी नहीं आपको स्ट्रीम 91 किताबें पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, किताब बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, आप पढ़ेंगे तो आपको उसका मतलब समझ में वहां पर आएगा कि क्या लाभ मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। आपको बताना है कि ये जो आकृति है ये एक में है, दो में है, तीन में है या चार में है, किसमें अंतर्निहित है, इसको सर्च करेंगे और बताएंगे कि ये आकृति आपकी किसमें अंतर्निहित है। तो चलो बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक में अंतर्निहित है क्या, दो में या तीन में या चार में। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर देखें तो इस प्रकार से हमको एक आकृति चाहिए थी, ये यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे आएगा और बीच में एक इस प्रकार की लाइन गई थी एरो टाइप की, तो यही तो आकृति है यहां पर, तो कहां गई, सेकंड वाले में, फर्स्ट में ऐसा है नहीं, थर्ड में ऐसा है नहीं, फोर्थ में ऐसा है नहीं, तो ये सब हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो 11 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले में जाएगा। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा आपका सही हो जाएगा, 11 का किस में जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा। ठीक, 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमसे वहां पर क्या पूछ रहा है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच परस्पर वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि 4 का जो 25 से रिलेशन है उसी प्रकार से आपको बताना है कि अगला रिलेशन किसके साथ जाएगा, एक में जाएगा, दो में, तीन में या चार में। पहले 4 और 25 के रिलेशन को आपको समझना होगा और जब तक इस रिलेशन को नहीं समझेंगे तब तक अगला क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहां पर 4 है तो अगर 4 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 25, या 25 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 के स्क्वायर 144, ये हो नहीं सकता। 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर कर देंगे अगर तो कितना मिलेगा 49, 49 यहाँ पर मिल रहा है तो ये हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 के स्क्वायर 169, ऐसा है नहीं। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 के स्क्वायर 49, ऐसा है नहीं। तो 12 का जो आंसर आएगा वो किस में जाएगा, सेकेंड वाले में। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड वाला आंसर किया है तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न क्या करेगा, 12 का सेकेंड वाला सही हो जाएगा। 12 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करके बताना है, तो आई एम ओके आपका इसका मिरर इमेज बताना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक में जाएगा, दो में जाएगा, तीन में जाएगा या फिर चार में जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। सावधानी से करेंगे तो आंसर तक आप लोग जो है जरूर पहुंच पाएंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो आकृति है तो ये जो लेफ्ट में है राइट में नीचे की ओर जाएगी, ये ऊपर की ओर चला गया गलत है, ये नीचे की ओर है, ये इस साइड है तो इसी साइड तो रहेगा नहीं, इसमें ऊपर चला गया रहेगा नहीं। तो ये जो तीन गोले हैं इस साइड जाएंगे, इसमें बिल्कुल सही बने हैं। ओके को उल्टा करेंगे यहां पर आएगा के ओ एम आई, तो इसका जो आंसर होगा सेकेंड वाला। तो 13 का जिन बच्चों ने सेकेंड वाला हिट किया होगा, आंसर ऑप्शन दिया होगा, उन्हीं बच्चों का सही होगा और बाकी तो आसान था, बहुत आसानी से बाकी तीन ऑप्शन निकल गए, हमें ज्यादा यहाँ पर परेशान होना भी नहीं पड़ा, आसानी से क्वेश्चन हम मिल गया। तो 15 का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला, और जिन बच्चों ने 15 का सेकेंड वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा सही होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जिस प्रकार समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का रिलेशन किसके साथ, ये भौतिक राशियां हैं, ये क्या है भौतिक राशि है, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, और लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर, दूरी लंबा या मापन नियम, बताओ भाई। जिस प्रकार समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है, भौतिक राशियां होती है ना साथ, तो समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, दूरी नहीं होता, लंबा नहीं होता, मापन नियम नहीं होता, तो फिर क्या होगा मीटर होगा। तो लंबाई का जो मात्रक होगा मीटर,
तो 14 का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा मीटर, और अगर आपने 14 का पहला वाला आंसर किया है तो आपका प्रश्न निश्चित रूप से दोस्तों सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि टी क्यू यू एस को यू पी वी आर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फायर संबंधित है, बताइए। टी क्यू यू एस को इतना लिखा जाता है, तो ध्यान से अगर आप देखें तो अगर टी से आपको यू में जाना है तो आपको यहां प्लस वन करना है, क्यू से पी में आना है तो माइनस वन करना है, यू से बी में जाना है तो प्लस वन करना है, और एस से आर में आना है तो माइनस वन करना है। तो ये आपने काम कर लिया, तो वही काम हम यहां पर क्या करेंगे फायर में, एफ आई आर ई। तो पहले हम क्या करेंगे प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन और फिर माइनस वन, तो छह और एक क्या हो गया सात, और नौ में एक घटा देंगे तो आठ बचेगा, आठ के लिए एच होता है, अठारह एक उन्नीस, पांच में घटाएंगे चार, चार के लिए डी आएगा, तो जी एच एस डी, और जी एच एस डी ये कहां है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो 15 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाले में जाएगा, और जिन बच्चों ने 15 का सेकेंड वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न भी दोस्तों सही हो जाएगा 15 का सेकेंड वाला। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले जो आज की हमारी 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी वो यहां पर क्या होती समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। शुरुआत में मैंने थोड़ा ज्यादा स्पीड से पढ़ा दिया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो वहां पर परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा पूरी क्लास स्पीड से पढ़ा दूं, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको आभास हो कि आपकी भी जो दिमाग की जो क्षमता है उसी प्रकार से चीजों को कैच करने के लिए डेवलप हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि संडे तक, आप लोगों को पता होगा कि संडे तक मैंने कहा था कि क्लासेस हमारी चलेंगी, और संडे के बाद अगली जब मंडे को मुलाकात होगी 12 बजे, तो 12 बजे हम लोग मिलेंगे, और वहां पर बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक घंटे का मूल प्रैक्टिस सेट करेंगे, और इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वीडियो में उनको जो है पहले हम बता दें कि मैं इसका जो प्रारूप होगा, प्रारूप ये होगा कि आपका बाकी के 6 दिन आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चलेगी, और संडे को आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो ये प्रोसेस हम लोग अपना रहे हैं, और उसी प्रोसेस को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे आगे लेकर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जस्ट कल की क्लास के लिए जुड़ना मत भूलिएगा, और ज्यादातर बच्चे जो भी वीडियो की प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो भी आसपास के लोग में हो, कल सभी को आपको जोड़ना है, और इस सेशन को हम लोग आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। और ये 1.5 महीने का प्रोसेस चलेगा, और 1.5 महीने में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।